वजीर बनने पर तेरी मुबारकबाद तो बनती है, लेकिन अभी नहीं दूंगी। देवी के कातिल को मेरे सामने लाके खड़ा करेगा ना, फिर मुबारकबाद दूंगी। जन्नत बीबी की हवेली नहीं है ये, जहाँ तू जगह जगह पे अपनी छुरियां छुपा के रखती थी। ये जहाँ जेब मजारी का डेरा है, यहाँ कोई होगा जिसमें मेरी मर्जी है। पंचायत के फैसले के नतीजे में बनी होकर आने वाली लड़की से ज्यादा हैसियत नहीं है तेरी। बीबी को तो नहीं बता सकी तुम, पर मुझे तो बता सकती हो ना, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हो। असद से निकाह करके मैं आज भी बदनाम हूं। वो तो जान से चला गया, लेकिन हमारी मोहब्बत का ताना मैं आज भी बर्दाश्त कर रही हूं। जानती है भाभी, वजाहत रोज मुझसे आकर क्या सवाल करते हैं। क्या? यही कि मेरी और असद की मोहब्बत की नौयत क्या थी। वो हर रोज मुझसे कसम उठवाता कि मेरे दामन पर कोई दाग तो नहीं, और मैं हर रोज कसम उठाती हूं, और फिर वो मुझे धुतकार कर चला जाता। ऐसा क्यों होता है भाभी, ऐसा क्यों होता है कि आज भी औरत को जवाब देना पड़ता है? इतना पढ़ लिख कर इतने बड़े जागीरदारों की बेटी होकर बहन होकर फिर भी मैं इतना बेबस क्यों हूं? सच कहूं तो उस आसिया में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। आसिया को एक छोटी सी जमीन और मुझे एक बड़ी सी जागीर के लिए भेंट चढ़ा दिया। ना रो मेरी बहन, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना कर। रोने से कुछ होता है भला? सब ठीक हो जाए। सलाम बीबी। क्यों बुलाया मुझे? मैं आपको यहाँ बुलाने के लिए माजर चाहता हूँ बीबी, लेकिन मुझे यही मुनासिब लगा। आपकी एक चीज हाथ लगी थी, सोचा कि वापस कर दूँ। किसी और के हाथ लग गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। चीज की बात कर रहा है आपका सेलफोन? तेरे हाथ कैसे लगा? मेरे हाथ फोन नहीं,
जोर लगा। उसके पास था ये। I'm sorry, आपकी कुछ जाती चीजें मेरे सामने से गुजर। जुल्को सर, गड्डी में बैठाती हूँ। जी बाजी। आपके फोन से एक नंबर पर काफी कॉल्स गई हुई थी, आपका तो पता होगा। आपका फोन है, अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ। लेकिन आप फिक्र मत करें, ये सब मेरे तक ही रहेगा अगर आप मेरा साथ दें तो। कैसा साथ? जहां सईं के जराइम की फहरिस्त तवील की जा रही, जहां सईं को मजीद जुर्म करने से रोकना ही उनकी साफ वफादारी है, और उन्हें मजीद जुर्म से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? उनकी गिरफ्तारी। चलता हूं। आपके फोन में मैंने अपना नंबर सेव कर दिया। जहां सही की किसी मशकूक हरकत का पता चले तो बता दीजिएगा, क्योंकि इसी में सबकी बेहतरी है। लाफ़िज़ बीबी। थानेदार का तो कुछ करना पड़ेगा। इश्क़ावे लस्सी। थानेदार को पता चल गया। क्या पता लग गया? यही कि चुप चुप के मिलती हूं मैं तुझसे। उसको कैसे पता लगा? फोन गवाच गया था ना मेरा, उसके हाथ लग गया। तेरी तस्वीरें भी थी उसमें। अब तू डर रही है, जब मैंने तुझे समझाया था कि बहुत बदनामी हो गई तब तो तुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। जहां सही से डर रही है अब सही को पता चला तो मुंह दिखाने जोगी नहीं रहूंगी। थानेदार का तो कुछ करना पड़ेगा। से भी छोटा था, स्कूल जाया करता था। स्कूल मुल्तान शहर में था। बहुत सवेरे उठना पड़ता था। एक दिन कहने लगा
मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने उसको बहुत मारा, बताया नहीं क्यों। मैं नवी में फेल हो गया। मैंने उसको कहा आप पढ़ाई छोड़ दे, कहने लगा इसीलिए तो तूने मुझे मारा था। मैंने पूछा तुझे मालूम था, कहने लगा हाँ तू नहीं चाहती थी कि मैं अब जैसा बनू। फिर उसने कर दिखाया। ना अपे जैसा बना, ना अपने किसी भरा जैसा। सीपी तो बस सीपी तो बस एक ही तरह का सीपी। कभी कभार रोना अच्छा होता और सुना हवेली में सब खैर? जी भाजी सब खैर। वो जाजेब रोज जाता है असेंबली? नहीं भाजी, जब इजलास होता है तब जाता है। वो पता है मुझे, फिर भी लोर तो रोज बंजता होगा। वजारत के 100 काम होते हैं। वजारत के काम, वजारत की अल्फ बे उसे पता नहीं। वजारत के काम, खैर छड़, शय की लोड़ हो तो बता दी, भरा हूं तेरा। शर्म वाली बात नहीं है। वैसे तो सब अल्लाह का शुक्र है भाजी, बस मेरे दिल को डर सा लगा रहता है। किस बात का डर? खैर से वजीर की बीवी हो गई हूं मैं, और आपको तो पता है वजारत में 100 दुश्मन 100 सज्जन होते हैं। किसकी तरफ इशारा कर रही है तू? ना भाजी ना, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे। मुझे पता है आप मैं तो बस सोच रही थी एक दो गन मैन रख लूं अपने साथ। अपने जांजेब साईं से कह ना कि वो सरकारी खर्चे से तुझे सिक्योरिटी दे। आखिर वजीर की बीवी एक डो पुलिस के डाले तो तेरे साथ भी होने चाहिए। ना भाजी ना, मुझे तो कोई इतमाद वाला बंदा चाहिए, और अपने भिरा से ज्यादा इतमाद मुझे किसी पर नहीं। तो इस तरह कह ना, जल्दी ना हो असगर है। जी मालिक। सबसे तगड़ा और बहुत वफादार बंदा है मेरा, लेकिन आज के बाद
तेरे साथ होगा। और तनख्वाह की फिक्र ना करी, मैं खुद दूंगा। बहुत शुक्रिया भाजी। बस ठीक, जल लेना। हाँ गाल कर। क्या नाम है तेरा? असगर है जी। एक गाल दसा, अगर अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़े तो क्या करेगा? एक मिनट नहीं लगाऊंगा जी, जान दे दूंगा। और अगर जान लेनी पड़े तो? फिर चला गया। लगता है ये मसला भी मुझे खुद ही हल करना पड़ेगा। आप तो वजीर हैं, जो चाहें करवा सकते हैं। देखना, कल ही टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वालों को अपनी वजारत की तरफ से मैं नोटिस भेजता हूं। कल ही ये मसला हल करवा। कोई खास खबर है? नहीं, गेम खेल रहा हूं। तुझे क्या हुआ है? ऐसे फिर रही है जैसे किसी खबर के आने का इंतजार। नहीं साईं, मैं तो बस ऐसे रोटी ज्यादा खा ली थी ना, इसलिए टहल रही। अब अच्छा तो नहीं लगता ना, वजीर की बीवी हो और खा खा के मोटी हो जाए। हाँ, ये बात तूने पते की है। वजारत का एक फायदा है, खाओ जितना दिल करे खाओ, लेकिन नजर नहीं आना चाहिए खाया पिया, वरना बंदा पकड़ा जाता है। आ गए सिग्नल। क्यों यार? जो होना चाहिए था जो नहीं हुआ। एसएचओ साहब जी, मैं ठीक हूं। लगता है किसी अनाड़ी ने मरवाने की कोशिश की है। अगली बार आप कोशिश कर लिएगा साईं। इसकी नौबत नहीं आएगी, जल्दी से ठीक हो जाओ एसएचओ साहब, बहुत सारे काम करवाने हैं आपसे। साईं, लगता है आप शाहनवाज को बहुत मिस करते हैं और ये भी चाह रहे हैं कि किसी तरह वो वापस आ जाए। मैं
मैं आपसे वादा करता हूँ साईं, जल्द उसे थाने में वापस जरूर लाऊंगा। आप भी आएगा साईं? अरे याद आया, आप तो वजीर हैं, आपके लिए तो VIP इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों साईं? मेरा भी तुझसे वादा है SHO, वो दिन कभी नहीं आएगा। आएगा साईं, आएगा। ख्याल रखना अपना। अस्सलामुअलैकुम। बीबी बाजी, स्किन आखिरी के स्कूल से इतला आई है, मुजम्मल और बुलाल की इस बार फीस नहीं गई। से भी रखता था इन बातों का ख्याल। क्या हुआ बीबी? जमीन के कागजात पड़े थे इसमें, वो किधर गए? पता नहीं बीबी। मुख्तार नामे पे अंगूठा लगा दे। अच्छा, ये सब कुछ तो तेरा हो जाएगा, नाजो के हिस्से का क्या होगा? बेटी चाहिए या उसके हिस्से की जिदार? ठीक है वकील साहब, और कोई काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जी बेहतर, अल्लाह हाफिज। जमीनों के कागज हैं, आप सो रही थी तो उठाना मुनासिब नहीं समझा, ताला खोल के निकाल लिए थे मैंने। ऐसे क्या देख रही हैं? पुत्र हूं आपका, कुछ चोर तो नहीं हूं। आ जा, दस्तखत कर दो दीदी। क्या है? मुख्तारनामा है। मुख्तारनामा? हाँ, मैंने सोचा इससे पहले कि मामा अशरफ आपसे नाजो के हिस्से की जमीन जगीर मंगे, ये आप मेरे नाम लगा दो, उनसे मैं खुद ही निबड़ लूंगा। हाँ, आ जाओ, अंगूठा लगा दो। क्या सोच रही हो बीबी? आपके बाद भी तो सब कुछ मेरा ही है। मैं अभी मरी तो नहीं? हिक ना हिक दिन तो सबको जाना है बीबी। आ जा, लगा दे अंगूठा।
मामे अशरफ की नीयत ठीक नहीं है बीबी। जेबी के जनाजे पे भी जगीर का हिस्सा मांग रहा था, याद नहीं है आपको? नीयत तो तेरी भी चंगी नहीं। बेच नहीं खाऊंगा, जगीर बचा रहा हूं इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूं। जो नहीं बचानी तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रखे सब कुछ अपने पास। मैंने आपके कहने पे बीबी क्या क्या कुछ नहीं किया है, पर मेरे कहने पे आप एक अंगूठा नहीं लगा सकती। ये सब कुछ तो तेरा हो जाएगा, नाजो के हिस्से का क्या होगा? उस धी के हिस्से की आपको बड़ी फिक्र है जिसने हमारे मुंह पे कालक मलवा दी, उसे तो वड के सुट देना चाहिए था। आजा, मुख्तार नामे पे अंगूठा लगा दे। आजा। आजा बीबी। सोच ले, बेटी चाहिए या उसके हिस्से की जिदाद? आजा। फिकर ना करें, सारा कुछ आपकी जिंदगी में आपके नाम ही रहेगा। मेरी प्यारी बेबे, फिकर क्यों करें? जी जनाब। हाँ हाँ ठीक है, काम हो जाएगा आपका। वजारत तो नाम ही इसी चीज का है कि दूसरों के काम करें, उनकी खिदमत करें। सलाम अलैकुम। सलाम सिंह, ऐसे जो वकार ऑन ड्यूटी? थोड़े दिन आराम कर लेता। बहुत आराम कर लिया साईं, अब तो काम करना, बल्कि कुछ लोगों को आराम के लिए भेजना। पहले मैं भी इसी तरह बड़े बड़े ख्वाब देखता था, फिर किसी ने मुझे समझाया कि हर ख्वाब पूरा नहीं होता। मुझे भी किसी बड़े ने यही समझाया था साईं, फिर मैंने सिर्फ वो ख्वाब देखना शुरू कर दिया जो पूरे हो सकते हो। जिस ख्वाब का तुम जिक्र कर रहे हो ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। जरूर होगा साईं, बस कुछ सबूतों के हाथ लगने की देर है। क्या है ये? तुझे क्या मसला है? हाँ, निकाह में है वो मेरे। ये निकाह नहीं, ये जुल्म है। ये भी सही, ये भी सही।
हेलो तेरी आवाज को क्या हुआ है? कब से? अच्छा ठीक है आती हूँ मैं, बस थोड़ी देर में आती हूँ। मुबशर से मिलना मुझे अभी। बाजी सुलेखा, जहां निसाई को पता चल गया तो वो तो शहर गए हैं ना, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा मैं हवेली से कहां गई थी। और अगर हवेली में से किसी ने दस दिया फिर तो तू संभाल लेना ना मेरी बहन, किसी को पता ना चले। ना जाना बाजी जुलेखा, पता नहीं क्यों मेरा जी बड़ा ही घबरा रहा है, उसकी तबीयत खराब है, बहुत बुखार है उसको। कन्नों से सुनी मैंने उसकी आवाज। उसे जरूरत है मेरी, जो पहले कभी नहीं थी। उसकी आवाज में आज वो बात थी जिसका 15 सालों से इंतजार था मुझे। उसने तो कहा है पर मुझे लग रहा है जैसे उसने पुकारा है मुझे, जैसे कह रहा हो सुलेखा थोड़ी देर के लिए आ जा, मुझे जरूरत है तेरी, बस थोड़ी देर के लिए। चल आज तेरी खातिर जान भी देनी पड़ी ना तो हंस के ले लूंगी। आसिया पुत्र खाना खा ले। नहीं खाला, भूख नहीं है मुझे, थोड़ा सा खा ले। कितनी कमजोर हो गई है तू। अच्छा है ना, हौली हौली खत्म हो जाऊंगी। बकवास ना कर, तुझे पता है कितनी प्यारी है तू मुझे, मैं तो अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकती, तुझे अपनी थी समझ लिया मैंने, और तू भी मेरी बात नहीं मानती, बात नहीं मानती, मैं ले जाती। अच्छा ला खाला, ला खा लेती हूँ मैं। मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊं, खुद खा लूं।
किधर है शीदो? पूरी हवेली में तुझे ढूंढा है मैंने। जी साई। तुझसे एक काम था। हुक्म करे साई। सोच ले। काम थोड़ा मुश्किल है साई। आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। जान नहीं चाहिए, नींद चाहिए थोड़ी सी किसी की। मैं समझी नहीं साईं। मैं अभी देख रहा था नीचे हवेली में, आसिया तेरी बड़ी सुनती है, बड़ी गलमनती है तेरी। वो मुझे अपनी माँ जैसी समझती है। ये ले। किसी शय में मिला के खिला दे आसिया को। मगर साईं, मैंने सुना है बीबी ने तुझे तेरे बच्चों से मिलने से मना किया है। कब से नहीं मिली तू अपने बच्चों से, और लगता है कि आखिरी साह तक उनको देख भी नहीं सकेगी। मैं सोच रहा था बड़ी खिदमत कर ली तूने हमारी, बस ये एक छोटा सा काम कर दे, तुझे तेरे बच्चों से मिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। सच साई, मेरे बच्चे। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं साई, मेरा ये मतलब नहीं था। पकड़ और खिला दे आसिया को। नहीं मरेगी, कुछ नहीं होगा उसको, बस थोड़ी देर उसे सोता देखना चाहता हूं। समझ रही है ना? शाबाश। शाबाश। पहले अपनी रोटी की तो फिक्र कर। क्या हुआ आसिया? आसिया नहीं, जुलेखा की बात कर रही हूँ मैं। क्या हुआ है उसे? हवेली में नहीं है। वो ढेर की जहां साई ने थानेदार को पैसे दिए चौधरी मुबशर को मरवाने के लिए।